अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। दोस्तों आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन डिज़र्ट श्रीखंड। श्रीखंड बनाने के लिए मैंने 4 किलो योगर्ट लिया हुआ है और ये 4 किलो योगर्ट मुझे एक कपड़े में, कोई मलमल का कपड़ा या अगर आपके पास कोई मलमल का दुपट्टा हो उसके अंदर बांधकर उसको मुझे हैंग कर देना है कहीं पर, ताकि उसमें का पानी पूरा जो है वो निकल जाए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जो है ये दुपट्टे में इसको बांधा है ऐसे, और मैंने इसको आयरनिंग टेबल पर बांध दिया है ताकि मुझे बराबर से जगह मिले उसको रखने के लिए यहाँ पर, और पानी जो है नीचे टपक सके। ऐसे मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे रखना है। इसको 9 आवर्स हो गए हैं बांध कर रखे हुए, ऐसे हैंग किए हुए। अब मैं इसको नीचे निकालूंगी, पहले मैं ये पानी फेंक दूंगी और उसके बाद उसको मैंने नीचे निकाल कर किसी बर्तन में डाल देना है। ये दुपट्टा मैंने खोल दिया है, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये योगर्ट अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर एकदम टुकड़े जैसे बन गए हैं। अब मैंने इसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करना है जिसमें मैंने श्रीखंड बनाना है। ये हंग योगर्ट जो टंगा हुआ योगर्ट था, दही था, वो मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। अब उसके बाद मुझे इसमें कुछ चीज़ें चाहिए। मैंने 2 कप्स जो है वो शुगर लिया है, हो सकता है मुझे इससे कम की ज़रूरत पड़े या मे भी इससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपको मीठा कितना चाहिए। कुछ मैंने 1/4 कप पिस्ताशियोज़ लिए हैं स्लाइस किए हुए, इसको मैं थोड़ा सा और चॉप कर लूँगी क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हैं। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा और चॉप करना है। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर लिया है, फ्रेश बनाया है, जस्ट अभी बनाकर रखा है। पहले से बना हुआ अगर होगा तो उसकी खुशबू उतनी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए फ्रेश कार्डमम पाउडर चाहिए। अब मैंने श्रीखंड बनाना स्टार्ट करना है। श्रीखंड बनाने के लिए मैंने या तो ये हैंड ब्लेंडर लेना है, लेकिन मैं हैंड ब्लेंडर नहीं इस्तेमाल करूंगी, मैं ये जो मशीन वाला ब्लेंडर है मैं ये इस्तेमाल करने जा रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर भी ले सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर से जो है थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा उसको, इस वजह से मैंने मशीन वाला ब्लेंडर लेना है। सबसे पहले मैं ये ब्लेंडर ऑन करके इसके अंदर इसको स्लोली घुमाना स्टार्ट करूँगी। ये ऐसे मैंने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। अब मैं ये हैंड ब्लेंडर बंद करके इसके अंदर मैंने 1 प्याली पहले शुगर डालना है, 1 कप जो शुगर है ये मैं डाल देती हूँ इसमें। और ये हैंड ब्लेंडर मैं पहले इसको अंदर डालकर उसके बाद इसको ऑन करूंगी स्लो पर और इसको चलाती रहूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मैंने ये हैंड ब्लेंडर से ऐसे मिक्स करते रहना है। बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा हम फेंटेंगे शुगर को इसके साथ में उतना अच्छा श्रीखंड बनेगा। ये 1 कप शुगर उसमें मिक्स हो गई है, अब मैं इसके अंदर और 1/2 कप डालती हूँ। मैंने इसको टेस्ट किया है, मुझे लगता है कि शायद 1 कप शुगर और 1 कप शुगर मेरे ख्याल से मोर देन इनफ हो सकती है, सो मैं पहले सिर्फ 1/2 कप डाल रही हूँ और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं मैंने इसको घुमाते हुए, ये देखिए ये अच्छे पीक्स इसके फॉर्म हो रहे हैं बिल्कुल क्रीम की तरह, इसका मतलब है ये श्रीखंड जो है ये रेडी है। ये जो कार्डमम पाउडर मैंने बताया था आपको 1 टीस्पून, ये मैंने डालना है इसमें। उसके बाद मैंने जो पिस्ताशियोज लिए थे वो मैंने इस हमलदस्ते में इसको थोड़ा कूट लिया है, पाउडर जैसा कर लिया है, बहुत ज्यादा बारीक पाउडर नहीं, जिसमें थोड़े थोड़े चंक्स भी है लेकिन थोड़ा पाउडर भी हो गया है, ये मैंने इसमें डाल देना है। और इसको पहले मैंने स्पून से मिक्स करना है। स्पून से मिक्स करने के बाद अब फिर उसको एक बार मुझे मशीन से चला लेना है, मशीन से मिक्स करना है। अब ये श्रीखंड कंप्लीटली तैयार है, अब मैं इसको सर्व कर सकती हूँ। इसको मैं पूरी के साथ सर्व करूंगी, ये पूरी के साथ बहुत ही मजेदार लगता है। ये श्रीखंड बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको 2 से 3 घंटे तकरीबन फ्रिज में रखना है ताकि वो ठंडा हो जाए, जब ठंडा होगा तो उसका मज़ा ज़्यादा होगा। ये मज़ेदार बेहतरीन श्रीखंड घर पर ज़रूर बनाइए, ये देखने में ही इतना यमी लग रहा है,
ये आपके बच्चे, आपके घर के बड़े सब बहुत पसंद करेंगे। इसको गरम गरम पूरी के साथ सर्व कीजिए। पूरी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। है ना ये मज़ेदार श्रीखंड, इसको घर पर ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी लगी। कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वीट एंड स्पाइसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।